हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से हमारे न्यू स्पोकन क्लास में। आज हम देखेंगे कब इम्प्रूव करते हैं शब्दों को हिंदी में, उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। तो स्पोकन क्लास मतलब होता है हमें जब कभी मौका मिलता है अंग्रेजी बोलने का तो हम जानते नहीं हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे। तो उसको आज हम आप नई क्लास के साथ आया हूँ न्यू स्पोकन क्लास। ये इसको कैसे बोला, जैसे लिखा है यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसके बाद यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी, इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सारे का सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह है, इसको पहले समझ लीजिए है क्या, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में बनाए जाते हैं। क्या होते हैं ये कॉम्प्लेक्स, जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कम से कम सबॉर्डिनेट क्लॉज अवश्य होता है। एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। चलिए वो बात छोड़ते हैं, अब देखते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी स्पीकिंग के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश बेस्ट। जैसे This is the why. अब ये लड़का है, सजीव है, सजीव के लिए हमेशा हम हु का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के लिए हम दैट या विच का प्रयोग करते हैं। दैट दिस इज द why who came here yesterday. ये हिंदी बोलते हैं, इसी को हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। जैसे दिस इज द पेन, यहाँ पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं और विच का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें This is the pen that I bought yesterday. This is the pen which I bought yesterday. निर्जीव वस्तु के लिए हम that और which का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया, that का प्रयोग कर दिया है। वह आदमी जो यहाँ आया था मेरा संबंधी, इसको कैसे बनाएंगे। ये सुनकर ये तो तमाम है, मेरा संबंधी जो आया था वह आदमी, यह क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अरे सर जी ये क्या है, ऐसे कैसे बनाएंगे, उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। वह आदमी द मैन क्या है, हु निर्जीव सजीव है ना, सजीव द मैन Who came here? The man who came here, मेरा संबंधी है, is my relative. इसको ये आर है, इसको इसमें बना देते हैं relative. The man who came here is my relative. तो क्या है ये, मैं यहाँ दिक्कत कर रहा था, क्या कर रहा था, दिक्कत कर रहा था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। इस प्रकार के कोई भी अगर वाक सेंटेंस आपके सामने आ जाते हैं हिंदी में तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यह वह स्थान है जहाँ वह पैदा हुआ था, इसको कैसे बनाया, जहाँ और कहाँ, जहाँ इसके लिए कहाँ लगेगा अंग्रेजी मीनिंग, उसके लिए जहाँ। जैसे This is the place. जहाँ where means कहाँ और where means जहाँ भी। This is the place where कौन पैदा हुआ, वह पैदा हुआ था, where he was born.
where he was born. मैं उसको जानता हूँ जो कल बोल रहा था. स्कूलों में अपने घरों पर कोई भाषण दे रहा है, उसको कह सकते हैं हिंदी में जो कल आया था मैं उसको जानता हूँ, या जो कल आया था वो बोल रहा था मैं उसको जानता हूँ. इस प्रकार कैसे बनाते हैं इसमें I know him who was speaking yesterday. Yesterday का प्रयोग हम जो कल गुजर गया है उसके लिए हम करते हैं, जो आने वाला है उसके लिए हम करते हैं टुमारो को, और आज के लिए करते हैं टुडे का. लास्ट बचा हुआ है वह मेरा घर है, इसको मैंने बनाया. इसको कैसे बनाएंगे? जैसे आपने कोई अपनी कमाई से अपने पैसों से घर बनवाया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे हम डिफाइन करते हैं? जैसे कि वह मेरा घर है जिसको मैंने बनाया है, लोगों को अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? जैसे कोई हिंदी नहीं जानता है, दक्षिण भारत का है, साउथ इंडियन है, तो उसको कैसे बताएंगे आप? यह मेरा बच्चा है, यह मेरी प्रॉपर्टी है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, तो कैसे बताएंगे? जैसे वह मेरा घर है, दैट इज माई होम, दैट इज माई होम, दैट इज माई होम, whom I made. Whom क्या है? किसको या जिसको, दोनों होते हैं whom का मतलब किसको या जिसको. तो क्या है? That is my home. वह है मेरा घर है जिसको मैंने बनाया है. संकेत करता है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आते हैं, संकेत वाचक के रूप में. दिस दैट दीज दोज, दैट क्या है? प्लूरल, सिंगुलर, एक बचन. और दिस क्या है? सिंगुलर, एक बचन. दीज क्या है? प्लूरल, बहुवचन. दोज क्या है? प्लूरल, बहुवचन. तो स्पीकिंग क्लास में ये जितने सारे बताए हैं इसको आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो उसके ध्यान से पढ़ लीजिए. तो और आगे आने वाले क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. मैं आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो. थैंक यू, गॉड ब्लेस.